Hi everyone, let me introduce myself. I am Rupjit Datta from first year MBBS, Agartala Government Medical College and Govind Ballabh Pant Hospital. So NEET exam is knocking at the door. कल NEET का exam है, तुम लोगों को भी बताए. So इस दिन के लिए तुम लोग पूरे साल मेहनत किए हो, तो stay calm, panic मत करना. अगर panic करोगे सब कुछ भूल जाओगे. सो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसमें तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो उसी से ही स्टार्ट करना है एग्ज़ाम. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्ट्रांग इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करो. बायो स्ट्रांग हो तो बायो से स्टार्ट करो. सो पेपर दो तीन राउंड्स में सॉल्व करना है. पहले राउंड में जितने भी क्वेश्चन तुम्हें अच्छे मीन्स तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं उसे पहले सॉल्व करो. देन अगर लास्ट में टाइम बच जाए तो जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है वगैरह वगैरह उनको सोचना. सो एसर्शन रीज़न में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है मुझे बताए. एसर्शन इज़ द मीन्स रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और ऑफ एसर्शन और नॉट, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. सो एसर्शन रीज़न में अगर 100% कॉन्फिडेंट हो तो ही आंसर करना, वरना अगर गलत कर दिए तो फिर नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है ना. सो स्टे काम, खाना वाना अच्छे तरीके से खाना. अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो दिमाग तो ख़राब हो जाएगा, राइट. सो पूरे दो साल जो जितना भी तुमने सीखा कल तुम्हें एग्जीक्यूट करना है. सो स्टे काम, ओके. सो टाइम से पहले पहुंच जाना एग्ज़ाम हॉल में. बी कॉशियस अबाउट द टाइम, जल्दी घर से निकलना, जल्दी एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाना, ओके. सो कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, ये तुम्हें भी बताए. सो वॉच वो लोग जो है अलाउ नहीं करते. एक ट्रांसपेरेंट बॉटल साथ में लेके जाना फॉर योर वाटर. एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है साथ में, और पेन नहीं चाहिए, पेन वो ही लोग तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे. सो डेट वॉज एवरी थिंग. एंड जीन्स मत पहनना, ट्राउजर्स पहन के जाओगे. इस ऐसे तरह के टी शर्ट्स पहन के जाना, एकदम रिलैक्स माइंड में जाना, ठीक है. एंड यू विल श्योरली क्रैक द एग्जाम. ऑल द बेस्ट.